सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों सबसे पहले इस झारखंड की धरती बोकारो पर आज मैं पहली बार आया हूं और आप लोगों ने जो इतना सम्मान दिया उस सम्मान के लिए मैं राजकुमार आप सभी सफलता चाहने वाले महत्वाकांक्षी लोगों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं रहने वाला बेगूसराय शहर बिहार से हूं। दोस्तों पैसे से एक मोबाइल व्यवसायी हुआ करता था और पिछले 2004 से अपने शहर बेगूसराय में मोबाइल फोन की होलसेल की 3 दुकान को चला रहा था। दोस्तों अपने तीनों दुकान को चलाते हुए 2015 में इस व्यवसाय की जानकारी मिली और जब इस व्यवसाय की जानकारी मिली तो जैसा सभी के साथ होता है वैसा हमारे साथ भी हुआ। जब बताया गया कि यहाँ पर एक सामान खरीदने के बाद लगातार काम करके हम लोग 2 लाख रुपया सप्ताह कमा सकते हैं, आप लोगों को भरोसा हुआ था क्या? हम भी आप ही के बीच के थे, हमें भी कैसे भरोसा होता। दोस्तों कहीं से भी भरोसा नहीं हुआ और भरोसा नहीं होने का सबसे बड़ा जो कारण था वो कारण ये था कि कहीं न कहीं मैं एक बिजनेसमैन था, होलसेल का दुकानदार था, 3-3 दुकान चला रहा था, लाखों रुपए महीने की इनकम को ले रहा था और मुझे ये अच्छी तरह से पता था कि आज के इस कंपटीशन के दौर में अगर बात हजारों रुपए महीने कमाने की हो तो कहीं ना कहीं हम लोग 1-2 लाख, 5 लाख रुपया अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1,000, 10,000, 20,000, 50,000 महीना कमा सकते हैं। लेकिन बात अगर लाखों रुपए महीने कमाने की हो रही हो तो कम से कम हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उसी हिसाब से होना चाहिए। यस या नो? यस या नो? दोस्तों मेरे दिमाग में ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर भरा हुआ था कि अगर मुझे लाखों रुपए महीने कमाने हैं तो कम से कम मुझे 50 लाख से 70 लाख से 1 करोड़ रुपए अपने बिजनेस में लगाना होगा, तब जाकर मैं कहीं लाखों रुपया महीना कमा सकता हूं। भरोसा नहीं हुआ लेकिन था क्या, कहीं ना कहीं इस बिजनेस की जानकारी जो दोनों आए थे हमारे पास में उनसे हमारे बहुत ही अच्छे संबंध थे और कहीं ना कहीं अच्छे संबंध के कारण सिर्फ उनका मान सम्मान रखने के लिए कि चलो जाता क्या है, अगर एक सामान जिंदगी में ऐसे भी हम यहां से मार्केट से लेते हैं, पैसा देते हैं, सामान मिल जाता है, कोई दुकानदार से बाद में कोई दोस्ती रहती नहीं है, पैसा दिए सामान मिला बात खत्म हो गई। अगर आज अपने मित्र के कहने से अगर एक सामान यहां से परचेज कर लेंगे तो जिंदगी में कौन सा बड़ा भूचाल आ जाएगा। इस छोटी सी सोच के साथ इस बिजनेस की शुरुआत कर दी। दोस्तों भरोसा नहीं था कि इस तरह का कोई काम काज चलता होगा क्योंकि आज तक कभी किसी परिवार वाले ने इस काम को किया नहीं, किसी सफल लोगों को देखा नहीं और जो हमको बताने आए थे वो भी खुद इस व्यवसाय में नए थे, 2-4 महीना पहले उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, उनके पास भी कुछ ऐसा अचीवमेंट नहीं था कि जिसको देख के भरोसा हो सके। दोस्तों लेकिन था क्या कि जैसे ही इस व्यवसाय में ज्वाइनिंग किया और एक सामान शॉपिंग किया तो सोचा चलो कुछ लोगों को बता देते हैं और जब कुछ लोगों के बताने की शुरुआत की तो सबसे पहले कोई आदमी किसको बताता है, अपने जानने पहचानने वाले को। दोस्त हमारे एक मित्र थे जो कि पूरे दिन में 22 घंटा हमारे साथ रहा करते थे, हमने उनसे शुरुआत किया और इस बिजनेस की उनको जानकारी दी। जानते हैं वो मेरा दोस्त जो 22 घंटे मेरे साथ रहता था आज भी हमारी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है। मुझे लगा था कि जब उनको इस व्यवसाय के बारे में बताएंगे तो वो तो खुशी खुशी हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे और हमारा टीम बन जाएगा, लेकिन जानना चाहेंगे मेरे साथ क्या हुआ? उन्होंने ज्वाइन तो नहीं किया लेकिन एक सलाह दे दिया, बोला दोस्त ऐसा है कि इतना अच्छा मोबाइल का काम कर रहे हो, ये कौन से चक्कर में तुम पड़ गए, ऐसा कुछ होता नहीं है, हम आज से 10 साल पहले ऐसा काम करके बैठ चुके हैं और ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे साथ में, बहुत लाखों लाख रुपया मेरा बर्बाद हो गया, अगर आप इस काम काज को करने की शुरुआत करोगे तो विश्वास करो आने वाले 6 महीने से साल भर के अंदर लोग दिव्या जलाकर तुमको ढूंढेंगे, ऐसा उन्होंने सलाह दिया। दोस्तों जब इस तरह का सलाह मिला तो मन अंदर से बहुत ही घबरा गया, हमने अपने अपलाइन को फोन किया और अपने अपलाइन को कहा कि सर ये आपने कौन सा व्यवसाय हमको दे दिया।
इतना अच्छा दोस्ती जो आदमी 22 साल मेरे साथ में रहता है, अगर इस आदमी को कहूं कि आज 5 लाख रुपए की मुझे जरूरत है तो बिना पूछे 1 घंटा के अंदर ही हमको दे देगा। अगर ये आदमी हमसे 5-10 लाख रुपया मांग ले तो हम इसको 5-10 लाख रुपया दे सकते हैं, इतना अच्छा दोस्ती था। लेकिन ये तो एक शॉपिंग करने में मना कर रहा है। हमारे अपलाइन ने जानता है क्या जवाब दिया, जानना चाहेंगे? मेरे अपलाइन ने कहा कि आप अपने दोस्त से पूछिए कि दोस्त ऐसा क्या करें जो तुम हमारे यहां से इस बिजनेस को ज्वाइन कर लोगे, एक शॉपिंग कर लोगे। हमने उनकी बात को मान के अपने दोस्त से कहा, दोस्त चलो काम होता है नहीं होता है बात की बात है, हमने इस बिजनेस की शुरुआत की है, अगर आप एक शॉपिंग कर लोगे तो एक शॉपिंग कर लो। उन्होंने 10,000 रुपया निकाल के मेरे आगे में रख दिया और उन्होंने कहा कि दोस्त ऐसा है ये पैसा आप ले लो, जो खाना पीना है खा पी लेना, लेकिन हम तुम्हारा शॉपिंग नहीं करेंगे। हमने अपने अपलाइन को फिर से फोन किया कि सर वो तो 10,000 रुपया आगे में रख दिया है लेकिन कहता है कि हम शॉपिंग नहीं करेंगे। सर ने फिर से हमको कहा कि आप उनसे पूछिए कि ऐसा दोस्त क्या करे जो तुम यहां से शॉपिंग कर लोगे। हमने अपने दोस्त से बोला, दोस्त बताओ ऐसा क्या करे जो तुम एक शॉपिंग कर लोगे। जानते हैं मेरे दोस्त ने क्या जवाब दिया, जानना चाहेंगे? उसने कहा, राजकुमार जिस दिन 1 लाख रुपया महीना कमाएगा उस दिन मेरे पास आना, उस दिन तुम्हारे बिजनेस को मैं ज्वाइन कर लूंगा। जानते हैं मैंने अपने अपलाइन को फिर से फोन किया और कहा कि सर ये तो बोलते हैं कि 1 लाख रुपया महीना जिस दिन कमाओगे उस दिन ज्वाइन करेंगे, क्या 1 लाख रुपया महीना कमाना इतना आसान है? अभी तो हमारा बहुनी भी नहीं हुआ है। जानते हैं हमारे सर ने क्या जवाब दिया, जानना चाहेंगे? हमारे अपलाइन ने जवाब दिया, राजकुमार जी दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आज से इस बिजनेस को छोड़ दो, इस बिजनेस को मत करना, और जब जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सामने आएगा तुम्हारा मजाक उड़ाएगा और तुम इसका मजाक बनते रहना, या एक रास्ते और भी है तुम्हारे पास। मैंने पूछा वो क्या, उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, चलो इसको 1 लाख रुपया कमा के दिखा दे। थैंक यू। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, अगर आप लोगों के पास ये दो रास्ते होते तो आप लोग कौन सा रास्ता चुनते, पहले वाला या दूसरे वाला? थैंक यू। पहले वाला या दूसरा वाला? मैं भी आप ही के तरह समझदार था, मैंने सोचा कि अगर पहले वाला रास्ता चुनता हूं तो मोबाइल दुकानदार हूं, जिंदगी भर मोबाइल दुकानदार रह जाऊंगा, लेकिन अगर दूसरा रास्ता चुनता हूं, जाने के नाम पर कुछ नजर नहीं आ रहा था, जो लगना था वो लग चुका था। एक अनजान आदमी बोल रहा था कि हम आपके साथ हैं, यहां से 1 लाख रुपया महीना कमा के दिखाते हैं। दोस्त कुछ नहीं किया, कुछ खास नहीं किया, कुछ अलग नहीं किया, कुछ स्पेशल नहीं किया, सिर्फ एक काम किया। जब से इस बिजनेस में आया अपने 1 घंटे अपने 2 घंटे अपने 3 घंटे को जब जब मौका मिला अपने टाइम को मैनेज किया और अपने सर के साथ में अपने दोस्त अपने यार अपने रिलेटिव के पास में गया और इस व्यवसाय की जानकारी दे दी। कुछ लोगों के पास जब गया कुछ लोगों ने हमारी बात को माना, कुछ लोगों ने हमारी बात को नहीं माना, कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन जानते हैं दोस्त इसी में क्या हुआ, जब लोगों ने मजाक उड़ाया तो सिर्फ उसके घर से जब निकलता था तो एक ही बात सोच के निकलता था कि आज से पहले इस बिजनेस को मैं अपने लिए करता था लेकिन आज के बाद तुम्हारे लिए इस बिजनेस को करूंगा। थैंक यू, थैंक यू। इसी बिजनेस से 10,000 रुपया भी कमाए, मैंने कहा 20,000 भी कमाया, 30,000 भी कमाया, 40,000 भी कमाया, 50,000 भी कमाया। जब 50,000 रुपए की इनकम महीने की आने लगी उसी दोस्त के पास गया और अपने दोस्त के पैर को छू के प्रणाम किया और उसको बोला कि दोस्त 50,000 रुपया महीना देखो आने लगा है लेकिन आज भी तुमको मैं ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा क्योंकि तुमने कहा था 1 लाख रुपया कमा के आना, अभी मेरा 50,000 रुपया कम है, कुछ दिन वेट करो जब 1 लाख रुपया कमाऊंगा तब तुमको ज्वाइन कराऊंगा। कुछ दिन के बाद और मेहनत किया और काम किया, जब 80,000 रुपए महीने को क्रॉस किया फिर उसके घर पर गया फिर उसके पैरों को छू के प्रणाम किया और उसको बोला दोस्त आज 80,000 रुपया महीना कमा रहा हूँ फिर भी तुमको ज्वाइन नहीं कराऊंगा क्योंकि तुमने कहा था 1 लाख रुपया कमा के आना। दोस्तों विश्वास करें वो दिन भी आया जब यहां से 1 लाख रुपया महीना भी कमाने की शुरुआत की, उस दिन भी उसके साथ उसके घर पर गया उसके पैर को छू के प्रणाम किया और उस दिन भी बोला कि दोस्त आज भी तुमको ज्वाइन नहीं कराऊंगा क्योंकि उस दिन मुझे तुम्हारी जरूरत थी आज मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है।
जरूरत थी उसकी, उसने मेरी बात को नहीं माना और सिर्फ उसके 1 लाख के कमिटमेंट को पूरा करने के चक्कर में आज दोस्तों अगर बात करूं तो आज ये मैट्रिक पास आदमी आज इस हॉल में बैठे हुए जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम मुझसे तो ज्यादा एजुकेटेड लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि परिवार के हालात उतने अच्छे नहीं थे। हमारे पापा मेहनत मजदूरी किया करते थे और मैट्रिक के एग्जाम जब हमने दिया, फर्स्ट डिवीजन से पास किया, तो हमारे पिताजी ने साफ कह दिया कि बेटा अगर आगे की पढ़ाई करनी है तो आपको खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी, हम आपका कोई सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों पैसे के अभाव में हमने कामकाज करने की शुरुआत कर दिया और पढ़ाई लिखाई को अलविदा कर दिया। मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूं, आज हमारे समाज में कोई मैट्रिक पास आदमी सरकारी जॉब का ख्याल कर सकता है क्या? और प्राइवेट अगर जॉब कर ले तो कितने रुपए महीने की इनकम लेगा वो? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 10,000 से ज्यादा एक मैट्रिक पास आदमी को कभी भी नहीं मिल सकता है दोस्तों, ऐसा मुझे भरोसा है। लेकिन थैंक्स सिस्टम सेफ शॉप, थैंक्स हमारे ग्रेट मेंटर, थैंक्स प्यारी सी टीम जिसकी बदौलत आज ये मैट्रिक पास आदमी, अगर इनकम की बात करूं तो हर महीने 1 से 2 लाख रुपए कमाता हूं दोस्तों। कभी सोच भी नहीं हुआ करती थी कि अपने व्यवसाय को करते हुए कभी खुद के लिए 4 व्हीलर लूं, क्योंकि जो यहाँ पर बहुत सारे व्यवसायी भाई बैठे हुए होंगे उनको भी पता होगा कि जब वो व्यवसाय करते हैं और अपने दुकान पर बैठते हैं तो 10 बजे से 4 बजे जब तक बैंक का आवर होता है, जब तक बैंक खुली होती है, हम दुकानदारों का क्या हाल होता है ये सारे व्यवसायी भाई को पता होगा। दोस्तों 2004 से लगातार 2016 तक लगातार अपने दुकान को चलाते हुए कभी 4 व्हीलर का सपना नहीं देखा, लेकिन थैंक्स सिस्टम, थैंक्स सप्लाई, थैंक्स पैरिसी टीम जिसकी बदौलत आज ये मैट्रिक पास आदमी यहाँ से होंडा कंपनी के 13 लाख रुपए की WRV गाड़ी को बुक किया। थैंक यू। और उससे भी ज्यादा मजा तो अब आया, खुद के लिए 13 लाख रुपए की WRV होंडा की बुक तो किया ही किया, लेकिन इसी सिस्टम की वजह से इस धनतेरस में, इस दिवाली में मैंने अपनी टीम में 5 कार खरीदवाए। थैंक यू। और इसी सिस्टम के वजह से आज अपने बेगूसराय, अपने होम टाउन में अभी 46 लाख का एक फ्लैट को भी मैं बुक कर रहा हूं दोस्तों, इसी सिस्टम की ताकत से, इसी सिस्टम की ताकत से। जिसके कलेजे में होगा दम वही बनेगा सिर्फ सब में डायमंड।